कैसे लिंक करता है, ठीक है, अमेजन पे बैंक अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर रहा है, जो अमेजन ऐप है वहाँ पे अमेजन जो पे से किसे बैंक अकाउंट से लिंक करता है, जो गूगल पे है, फोन पे है, हाँ वो यूपीआई है ना, वो यूपीआई अमेजन ऐप से कैसे लिंक करता है बैंक अकाउंट को, वो आज हम जानेंगे, ठीक है। आइए अमेजन ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अमेजन पे पे जाइए। अमेजन पे पे जाइए। अमेजन पे पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड निकलेगा। गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद प्रोसीड जाएगा। प्रोसीड में क्लिक कीजिए। हाँ, उसके बाद बैंक को सिलेक्ट कीजिए। हाँ, बैंक को सिलेक्ट करने के बाद सिम को सिलेक्ट कीजिए। प्रोसीड को सिलेक्ट कीजिए। हाँ, अभी तीन डॉट निकलेगा, जो तीन डॉट हो जाएगा ग्रीन, तीन ग्रीन कलर का तीन, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा बैंक के साथ, वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो तीन डॉट ग्रीन हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। हाँ, कंटिन्यू में क्लिक के बाद वो अमेजन यूपीआई हो गया, ठीक है। आप बैंक अमेजन पे अमाउंट को चेक करना होगा। अमाउंट को चेक कीजिए। हाँ, अमाउंट को चेक करना होगा। अमाउंट शो करेगा, आपका ट्रांजैक्शन भी शो करेगा। हाँ, अभी अमाउंट शो करेगा, अमाउंट शो करेगा। हाँ, अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो करेगा आपका, नीचे वाला, नीचे वाला राइट। हाँ, क्यू आर कोड देखिए ऊपर में। हाँ, वो क्यू आर कोड है। हाँ, क्यू आर कोड को, हाँ वो क्यू आर कोड को स्कैन करके आपको पे कर सकता है। कोई भी आदमी क्यू आर कोड को स्कैन करके आपको पे कर सकता है, ठीक है। अमेजन पे से जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो ट्रांजेक्शन मैंने जो फेल होता है वो रिफंड अपने आप रिफंड हो जाता है। कस्टमर केयर को कॉल करने से भी होता है, ऐसे भी हो जाता है। 24 आवर के अंदर ऐसे ही रिफंड होता है, जो फेल होता है वह सर्वर डाउन होता है, हाँ उसके लिए वो सुविधा है, ठीक है। अमेजन पे से पे करने से ऐसे बेनिफिट मिलता है, कैशबैक भी मिलता है, प्रमोशन अप्लाई होता है, जो ऑर्डर देता है वो ऑर्डर में भी आपको बेनिफिट मिलता है। एक बार अमेजन पे से पे करके देखिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।